आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ खबर नालंदा से। बढ़ती महंगाई के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने हाथों में सिलेंडर लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल व गैस की बढ़ती कीमतों के साथ ही लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ राजद का दो दिवसीय आंदोलन के दूसरे दिन बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर हाथों में सिलेंडर लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु बताया कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व चिकित्सक की व्यवस्था के खिलाफ आज जिला मुख्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सुबह के कई जिले बाढ़ और सुखाड़ की चपेट में है। सरकार ने जिन लोगों को उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर दिया, उन लोगों ने महंगाई के कारण दोबारा गैस नहीं भराई। हर दिन यात्री किराया बढ़ता जा रहा है। जल्द से जल्द सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगाया गया तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष आमोद कुमार पप्पू यादव, सुनील यादव, अरुणेश यादव, विजय मुखिया, खुर्शीद अंसारी के अलावा कई नेता मौजूद थे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज 19 तारीख के विरोध में है। आप देख रहे हैं, आप भी प्रभावित हैं। पेट्रोल 112 रुपये, डीजल 100 का पार कर रहा है। आप बताइए सिलेंडर क्या है, गरीब गुरबा कहाँ जाएगा, आप भी बता दीजिए। जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल विचारधारा है उसको तो समाप्त कर दिए। पूंजीपति को ले आएंगे, उन लोगों को नहीं दिक्कत होगी। मगर 90% है गरीब गुरबा, सिलेंडर सबके पास है। आप कुछ मना नहीं करें, सिलेंडर नहीं दिए आज इसी के लिए लगातार महंगाई बढ़ रहा है, जिसके हम लोग आज मेरे नालंदा जिला राजद परिवार रोड पर हैं। और जब तक महंगाई पर कंट्रोल नहीं होगा, जब तक हम लोग का ये कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि बाहरी भूमि सरकार को रिक्शा टमटम से हम लोग बिहार शरीफ में प्रदर्शन करेंगे और लास्ट जिला मुख्यालय यहाँ हम लोग यहाँ बंद है। क्या नाम है आपका? आमोद कुमार प्रखंड अध्यक्ष।